स्टूडेंट ऑफ जम्मू यूनिवर्सिटी संस्कृत डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं वो आज यहाँ पर एक प्रदर्शन जो है वो करते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आप तस्वीरों पर जो है वो नजर डालें, देखिए ये तस्वीरें आप तक बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर वी वांट जस्टिस के भी जो है वो पोस्टर्स लगाए गए हैं। सरकार मौन क्यों है, इसके भी पोस्टर्स यहाँ पर लगाए गए हैं। तमाम जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो है वो आज सड़कों पर जो है वो उतर चुके हैं और ये तस्वीरें आपको न्यूज नाउ के माध्यम से जो है वो हम बता रहे हैं। किस तरह से जितने भी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, वो सभी जो है वो सड़कों पर इस वक्त जो है वो उतर चुके हैं और ये सारी तमाम तस्वीरें आपको जम्मू यूनिवर्सिटी के मेन गेट से जो है वो हम बता रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार आखिर मौन क्यों है। कहीं ना कहीं इन लोगों ने अपना जो है वो बंद कर दिया गया है और प्रदर्शन भी जो है उनका एक यहाँ पर देखने को साथ ही साथ अगर हम बात करें तो उनका मुख्य प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर जो है वो देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं कि वहाँ पर तमाम छात्रों जो है वो सड़कों पर इस वक्त जो है वो उतर चुके हैं। तो आज जो है वो प्रदर्शन के लिए आए हैं। आखिर बार बार आपको ये जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा जो है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने JKPSC को 575 जो पोस्ट है वो रेफर की है, तो उसमें लगभग तमाम सभी सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन उसमें संस्कृत सब्जेक्ट नहीं है, हिंदी सब्जेक्ट नहीं है। ताकि संस्कृत के विद्यार्थी कश्मीर यूनिवर्सिटी से भी हमें विद्यार्थियों का समर्थन प्राप्त हुआ है, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी से भी वहाँ पर प्रदर्शन रोज प्रतिदिन चल रहे हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी के आज स्टूडेंट और स्कॉलर आपके समक्ष हैं और इसका जो ये पोस्ट रेफर की है इसका विरोध प्रदर्शन करते हैं। हमें एक हफ्ता हो गया सरकार से हमें अपील करते हैं कि हमारे भी संस्कृत को स्थान दिया जाए, हिंदी को स्थान दिया जाए, लेकिन सरकार को आखिर पता नहीं क्या मजबूरी है अपने वोट बैंक के लिए कि उन्होंने संस्कृत को बिल्कुल भी स्थान नहीं दिया, हिंदी को बिल्कुल स्थान नहीं दे रही है। इसलिए हमें आज हमारा काली पट्टी बांध के जिस प्रकार से सरकार मौन है इस विषय को लेके, तो हम भी ये विरोध प्रदर्शन काली पट्टी बांध के जो है ये हम भी मौन है कि सरकार आखिर कब तक हमें जवाब देगी, कब तक हमारे विद्यार्थियों के साथ न्याय करेगी। हमारे संस्कृत डिपार्टमेंट के विद्यार्थी हैं, PG करके जाते हैं, PhD कर रहे हैं और MPhil जो पहले से किए हुए विद्यार्थी नेट सेट करके हमारे विद्यार्थी बैठे हैं और 8 साल के बाद जब पोस्ट आ रही है, 8 साल में कितना गैप, कितनी संख्या जो है विद्यार्थी जो है निकले हैं अपने शिक्षा लेके, तो वो विद्यार्थी कहाँ जाएंगे, वो विद्यार्थी कहाँ से न्याय मांगेंगे। तो हमें शिक्षा मंत्री से हम जवाब मांगते हैं कि आखिर संस्कृत को कब न्याय मिलेगा, संस्कृत के विद्यार्थियों को कब न्याय मिलेगा। तो जब तक आपकी बात सरकार नहीं मानेगी तब तक आप प्रदर्शन करते रहेंगे। देखिए सरकार तब तक हम प्रदर्शन करते रहेंगे, अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो सरकार के नुमाइंदे जहाँ पे दिखेंगे हम उनसे जवाब मांगेंगे और अगर अंत में हमें जो है भूख हड़ताल करनी पड़ेगी और हम धरना प्रदर्शन जो है हमारा जारी रहेगा, लेकिन अंतिम सांस तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए अभी की तस्वीरें आपको हम जम्मू यूनिवर्सिटी के मेन गेट से जो है वो बता रहे हैं, जहाँ पर बच्चों ने जो है वो काली पट्टी जो है वो बांध ली है और इनका कहना है कि जिस तरह से सरकार जो है वो मौन है, हम भी मौन प्रदर्शन जो है वो करेंगे। जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तब तक हम जो है वो धरने पर बैठ जाएंगे, हम भूख हड़ताल भी जो है वो कर लेंगे पर सरकार को हमारी बात जो है वो माननी होगी। देखिए लगातार प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है और वहीं बच्चे भी जो है वो आज मौन प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए किस तरह से इन्होंने अपने मुंह पर जो है वो एक काली पट्टी जो है वो बांधी है। इनका कहना है कि जिस तरह से सरकार जो है वो मौन बैठी है तो हम भी मौन प्रदर्शन जो है वो करेंगे। फिलहाल ये खबर हमने आप तक रखी, आप लोगों का क्या कुछ कहना है, आप लोगों की राय को जरूर कमेंट में दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को 4 तरह से कीजिए ताकि इनकी जो मांगे हैं वो सरकार तक पहुँच सके।